2013 को लेकर इंदिरा गांधी पंचायती राज सभागार में सक्षम जयपुर अभियान के तहत तामुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न सेक्टर्स से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी महिला कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर्स अधिनियम की बारीकियों से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी शामिल रहे। सर, सक्षम जयपुर अभियान श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार पूरे जिले में चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, जो महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का जो एक्ट है उसकी पालना सुनिश्चित करवाना है, जिससे कोई भी महिला किसी भी कार्यस्थल पर जाती हैं, चाहे वो राजकीय कार्यस्थल हो, चाहे वो प्राइवेट का हो, या फिर कोई अन्य कार्यस्थल, जैसे कोई घर के अंदर भी कोई महिला कार्य के लिए जाती है, तो उन महिलाओं का किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो, और यदि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घट भी जाती है तो इस एक्ट के तहत सबसे पहले त्वरित जो कार्रवाई है वो करवाई जा सके और महिला को राहत प्रदान की जा सके। ये अभियान हम 3 चरणों में चलाएंगे। प्रथम चरण के अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश की पालना में और उनके जो मंशा थी उसके अनुरूप हमने जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, प्रत्येक पंचायत समिति और उपखंड से हमने 10-10 ऑफिसर्स को नॉमिनेट करके यहाँ पे प्रशिक्षण के रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो सेकंड चरण होगा वो ब्लॉक लेवल के ऊपर प्रशिक्षण होगा, उपखंड अधिकारियों के द्वारा करवाया जाएगा। तत्पश्चात वहाँ पे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक कार्यालय जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा कार्मिक काम करते हैं वहाँ पे इस एक्ट के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए। जो तृतीय चरण होगा उसके अंदर जो हमारे ये प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शोरूम्स हैं, जो किसी भी प्रकार के कार्यस्थल हैं जहाँ पे 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उनके संबंध में ये एक्ट के अंदर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये उनको समझाइश करके ये बताया जाएगा कि इस एक्ट की पालना करना सभी का दायित्व।